फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लार्जेस्ट वर्सेस लॉन्गेस्ट. यहाँ दोनों के बीच में ये वर्ड है जिसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे. लार्जेस्ट रेफर्स टू द ओवरऑल साइज ऑफ समथिंग. लार्जेस्ट का मतलब होता है सभी ओर से, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो और किसी भी एंगल से हो, वो उसका साइज को हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट. वाइल लॉन्गेस्ट रेफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. और जब हम किसी का की लंबाई को एक पॉइंट से काउंट करते हैं और वो जहाँ तक भी लास्ट पॉइंट है उसका, वहाँ तक एंड तक उसको नापते हैं, यानी कि केवल उसके लेंथ को देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट. ये क्वेश्चन तब हमें कंफ्यूज कर रहा था जब मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पढ़ रही थी. तो उसको मैं समझाती हूँ. यहाँ पर ये है आपका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड हेयर इज़ फ्लो द रिवर अमेज़न. इट इज़ द विच टाइप ऑफ रिवर? लार्जेस्ट रिवर. लार्जेस्ट रिफर्स टू द ओवरऑल साइज ऑफ समथिंग. सो इफ एनीबडी आस्क यू विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यू कैन से अमेज़न. बट लॉन्गेस्ट, डैट मीन्स वेन वी मेजर द एनी थिंग्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट. सो वर्ल्ड It is here is a African continent and Nile River flow here. So when we measure the one point to another, it is called longest river. That's why if anyone say or ask that which is the longest river in the world, it is called Nile. तो ऐसा है कि longest और largest में फिर से मैं अंतर बता दूँ. Largest का मतलब है overall size उसका बड़ा हो या किसी चीज़ का साइज, जबकि किसी एक डिस्टेंस से, वन पॉइंट से किसी के डिस्टेंस को नापते हैं दूसरे पॉइंट तक, तो उसको लॉन्गेस्ट कहा जाता है. क्योंकि इसका ओवरऑल साइज जो है अमेज़न रिवर का सबसे ज़्यादा है, चाहे हम लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें, तो ये ओवरऑल साइज इसका सबसे ज़्यादा है. डैट्स वाई जब भी हमें कोई पूछता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर, तो हम कहेंगे अमेज़न. बट नाइल रिवर जो होता है वो जब इसके वन पॉइंट से अदर पॉइंट को नापा गया तो ये सबसे लंबी थी. तो यदि कोई हमें इसे कहता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो करेक्ट आंसर होगा नाइल. और इसी नदी को पढ़ने के क्रम में ये प्रश्न हमारे मन में आया. थैंक यू.